नमस्कार, वीडियो कॉन जीना इसी का नाम है, मैं आप सबका स्वागत है। आज के मेहमान के बारे में जब जानकारी हासिल की तो हमारे और साथी भी और मैं भी ज़रा परेशान हो गए। देखिए, हुआ ये है कि स्कूल की बड़ी अच्छी करियर रही उनकी, बड़ा अच्छा दौर रहा, कॉलेज में बड़ी कामयाब करियर रही उनकी, और फिर यहाँ से स्वप्न नगरी अमेरिका पहुँच गए, बहुत अच्छी नौकरी मिल गई। अचानक इस आदमी के जहन में ये ख्याल आता कि मुझे ये सब नहीं करना, मुझे लौट के जाना है हिंदुस्तान और वहाँ कुछ अपनी मर्जी का कमाल करके दिखलाना है। आदमी ऐसा क्यों सोचता है और इस आदमी ने क्यों सोचा, जिसका नाम है नागेश कुकुनूर, आइए बात करते हैं, पूछते हैं नागेश साहब से भी। नागेश साहब प्लीज तशरीफ लाइए। सर अच्छा भाई नागेश, बिल्कुल दिल पे मत लेना अगर मैं ये पूछूं कि आपने पढ़ाई कुछ और काम की अमेरिका चले गए किसी और मकसद से, फिर अचानक लौट के मतलब फिल्में बनाने का शौक कैसे क्यों आया? एक इंडियन चेकलिस्ट होता है कि पहले आप यू नो गेट अ गुड एजुकेशन, फिर उसके बाद सम ऑफ अस गो अब्रॉड, उसके बाद नौकरी, उसके बाद शादी, बच्चे, ऐसा एक लिस्ट होता है। मैं कभी सवाल नहीं किया कि एक्चुअली मुझे ज़िंदगी में क्या करना चाहिए, तो मैं इंजीनियर बन गया। देन केम द क्वेश्चन कि व्हाट डू आई डू विद माय लाइफ नाउ, और मेरा हमेशा यही डर रहा कि एक दिन मैं उठूंगा, आई विल बी 40 इयर्स ओल्ड, एक बड़ा सा घर सबर्ब्स में होगा, एक गाड़ी, दो बच्चे और एक कुत्ता। दिस वाज माय नाइटमेयर। तो एट दैट पॉइंट आई सेड ओके, लेट मी ट्राई एंड डू समथिंग। वहाँ से जर्नी शुरू हुआ। मैं इस बात को थोड़ा और कुरेदना चाहता हूँ नागेश साहब, उससे पहले मैं आपके पेरेंट्स को बुलाऊँ, आइए प्लीज। कुकुनूर साहब, हम दोनों यहाँ जमा हो जाएंगे तो नागेश बहुत अकेले आइए प्लीज आइए। वेरी वेरी अनयूजुअल केस मिस्टर नागेश कुकुनूर, बट जब ये छोटे थे तो क्या ऐसा लगता था कि वॉज ही दैट काइंड ऑफ अ चाइल्ड, लाइक अ रूल ब्रेकिंग चाइल्ड? कभी ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं दिए कि यू नो दे गो अगेंस्ट द रूल्स ऑफ द हाउस, ऐसा तो कभी लगा नहीं। अब मैं आपकी मम्मी से पूछूं, नागेश को देख के ऐसा लगता था कि ये भाई ये जरूर कुछ ना कुछ सर के बल चलने वाला काम करने वाला है? व्हेन ही वाज स्मॉल ही यूज्ड टू स्पिन स्टोरीज लाइक एनीथिंग, अजीब अजीब एडवेंचरस। इनकी कोई फेवरेट स्टोरी आपको याद है? एक हमारे अंकल होते थे, तो मैं उनके साथ उनके गोद में बैठ के उनको एक ही कहानी बताता था एवरी इवनिंग, बट उसमें गन का कलर और टाइगर का कलर चेंज होते रहता था एवरी इवनिंग। उससे एक बात जुड़ी हुई ये निकलती है कि जब एक बहुत सक्सेसफुल केमिकल इंजीनियरिंग करने वाला और बहुत अच्छी एक नौकरी अमेरिका में पाने वाला लड़का अपने माँ बाप को ये कहता है कि अब तो मैं ये सब करना नहीं चाहता, मैं फिल्में बनाना चाहता हूँ, तो आपका क्या रिएक्शन था? ऑनेस्टली आई वॉज इन अ स्टेट ऑफ शॉक, आई मस्ट कन्फेस। आप प्लीज तशरीफ़ रखें, प्लीज़ आप भी तशरीफ़ रखें यहाँ प्लीज़। मैं एक और साहब हैं जो इनके ये इन इरादों का और इनकी करियर का शिकार हैं, मैं उनकी पहले बात सुनना चाहता हूँ ये यहाँ से। Hi Anna, greetings from Cleveland. I hope this is a good surprise for you. Growing up as kids in Hyderabad, I clearly remember your passion for storytelling. I specifically remember that time when you got so irritated with me when I kept interrupting your narration of the movie The Towering Inferno with sound effects and all to a bunch of kids. And you know what, Anna? Sometimes I really feel I missed you grow up as a star. I haven't been to a single shoot you've done. You know, as cheesy as this may sound, you are my hero for having the guts to throw away everything that you had and follow your dreams. And Anna, a word from Vimi now. Hey Nagesh, I'm sure you've heard this a million times, but I'll just go ahead and say it again. We all are really proud of you. And finally, before we sign off,
to all you folks in Mumbai, Hyderabad, and the rest of India. Dil pe mat le. Can we say the rest of it on national TV? Can we? Welcome back, Videocon. Jeena Isi ka naam hai. Mulaqat ho rahi hai Nagesh Kukunoor sahab se. Nagesh, ये मिस्ट्री जो है मैं थोड़ी सी अनरावल करना चाहता हूँ कि आपने जब पहले फिल्म बनाने का फैसला किया तो क्यों हैदराबाद लौट के आ गए. मैं एक स्टेशन आगे खुद ही निकल गया हूँ. मैं चाहता हूँ हम उस स्टेशन पर ज़रा रुक लें और बहुत इंटरेस्टिंग दो चार लोग हैं उनसे मुलाकात कर लें फिर यहाँ आते हैं. प्लीज़ आइए. How are you? Nice meeting you. Great pleasure. Hi. Thank you. This is my lovely niece. That's my sister, Kavita. Hi, Kavita. And nice that's my brother-in-law, Pallav. Was he like a domineering, bossy kind of brother? Yeah, he used to be the roughhousing boy. Never sat still for a moment. Great storyteller, as usual. At family gatherings, he would be talking about movies. Especially, I remember Sholay. हर डायरेक्टर के अंदर या बहुत से डायरेक्टर्स के अंदर छुपा हुआ एक एक्टर होता है. नागेश का ऐसा कुछ था? यस डेफिनेटली आई वुड थिंक सो. जो गली के जो फेस्टिवल्स होते थे आई रिमेंबर इवन शोले यू नो सीन्स फ्रॉम शोले बीइंग परफॉर्मड एंड ही वाज ऑफ कोर्स गब्बर. But was he like very good about preening and strutting around? Maybe when he was younger, 7-8 years old, he used to have very seriously oiled and gelled hair. We have pictures of that. Pictures. Yes. मुझे याद है. Pictures देखो. साहब से आपकी मुलाकात कैसे और कब हुई? मैं 84 में केमिकल इंजीनियरिंग ज्वाइन किया था उस्मानिया यूनिवर्सिटी में और पल्लव में मेरे एक साल सीनियर थे. आप अपनी फिल्में जब सोचते हैं डू यू कंसल्ट हिम और हर? आई हैव अ स्टोरी टू टेल यू. प्लीज. जब ये हैदराबाद न्यूज़ लिखे थे तो मैं पढ़ा और एंड देन आई कॉल्ड हिम अप एंड आई सेड नगेश दिस इट रीड्स वेरी वेल बट यार इट्स नॉट वेरी फनी. Needless to say, the rest is history. उसके बाद तो मैं पढ़ना ही बंद कर दिया कि scripts. आप प्लीज तजिया के आइए प्लीज कर. Sure, thank you. Sweet one, you sit here. आपने जिक्र किया था उस्मानिया यूनिवर्सिटी का. Right. मैं उस जमाने के एक साहब को बुलाना चाहता हूँ. आइए प्लीज. Dangerous guy to bring. आई. आप भी तो मतलब उन्हीं को उनको तब से जानते हैं और हाँ वैसे मैं तो उसको कॉलेज जैसे जानता हूँ. अभी तो बॉक्सर भाई के नाम से पहले उसको नागिया कहते थे अभी बॉक्सर भाई कहते हैं. फोर ऑफ अस वी वेंट टू थाईलैंड ऑन हॉलीडे. जैसे हमने होटल में चेक इन किया उस दिन से होटल छोड़ने तक ये अपनी बॉक्सर ब्रांड अंडरवेयर पे डिस्प्ले करा था एवरी डे. दैट टाइम ऑनवर्ड्स आई चेंज्ड इन द नेम टू बॉक्सर भाई. हम तीनों ने उसका नाम बॉक्सर भाई रख दिया. ओके देयर इज अ मैसेज दैट आई वांट टू शो यू. Remember 20 years ago, I think around the same time, we met the very first day in college. And I still remember you had that spark in you even at that time. You wanted to go to the US, you wanted to work, and of course, never come back. Also nice to see that all those wonderful moments, the wonderful times that we have had, that you have kind of immortalized some of those parts in your movies, especially in Hyderabad Blues. I know you will make it. Just keep going at it. I'm sure one day you'll become really, really big. Just keep going for it, dude.
all is well with you over there. Just thinking about it, and it's been what, about 20 years since we've known each other. You've been a trendsetter in your filmmaking career. You have made the world believe that anything is possible. Wish you all the best. I think the division has been very clear. कि मैं director पहले हूँ, actor बाद में हूँ. आप कुछ training में नहीं भी ले रहे थे. तो वो किस किस्म की training ले रहे थे? मैं एक film production workshop लिया था. पर हैदराबाद ब्लूज बनाने के पहले almost ढाई या तीन साल मैं actor की तरह training ले रहा था. मैं सर उस जमाने की एक तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूँ. यहाँ इस तस्वीर का क्या किस्सा है? यूएस में एक्टिंग जॉब्स के लिए जाते हैं तो हर एक एक्टर को ये हेडशॉट बनाना होता है. तो ये आई हैड टू सबमिट फॉर ऑल माय एक्टिंग जॉब्स. एक 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 इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं सर. यहाँ नो आई इनवाइटेड हर टू गेट टुगेदर अ पार्टी. पार्टी? Let me tell you what the idea of a party is. Booze and fest. Every Indian in the state of Georgia must have showed up. And the amazing thing is, they all know each other. What is the point in inviting someone you don't know? And what is Bob? Bring on beer? 6 liters of vodka among 10 guys. It's amazing they didn't die of alcohol poisoning. I think Julie got bored. They sat, they ate, they drank. Then they repeated the entire process again. Good friends, food, and alcohol. It was neat, though, the way they bonded. There was a different kind of love there. She liked my friends. She had a good time. During the whole evening, he didn't even introduce me as his girlfriend. I think she was a little angry. You know, Julie's got a certain look. I call it the kimchi look, a strong undercurrent of hot peppers just waiting to explode. I wonder if he was ashamed. I had no idea why she was angry. Oh my God. अब आप इसकी कहानी भी सुना दीजिए. Officially ये मेरी पहली पिक्चर है. It's a 14-minute short film. और ये मैं 95 में बनाया था. And this movie gave me the confidence to make Hyderabad Blues. Welcome back, VideoCon. Jeena Isi ka naam hai. Mulaqat ho rahi hai Nagesh Kukunoor se. Jab aap America se pehle yahan aaye, right? To aate hi aapne kya kahani leke aaye the? Kya kiya tha? नहीं, एक्चुअली ऐसा हुआ कि मैं नौकरी सब छोड़ छाड़ के आ गया इंडिया और एक दो सेट पे गया हैदराबाद में. तब मैं बैठ के हैदराबाद ब्लूज़ द ओरिजिनल स्क्रिप्ट लिखा. स्टूडियोज़ के पास जाके बजटिंग करके ये पता चला कि अगर मैं वापस जाके और एक साल काम करके अपना पूरा सेविंग्स ले आऊँ तो देन आई हैव इनफ मनी टू मेक हैदराबाद ब्लूज़. तो मैं वापस जाके और एक साल नौकरी करके वो सेविंग्स वापस ले आके हैदराबाद ब्लूज़ बना. फिर आपने फिर ज़ीरो से शुरू किया? सीधा एयरपोर्ट से घर आते I got hold of my parents and my uncle and aunt, my mom's younger sister. Okay. I started laying out the plan of how I was going to shoot Hyderabad Blues. So it was a Kukunoor co-production. Complete. And then the film banke taiyar ho gayi. So what was the feeling like? Total hate of your own film. Jab pehli screening hui thi, wo Prasad Labs, right? So the whole family and friends came. So it was a very surreal experience. And you were watching it with them? I was watching it with them at the back and of course praying like he's not enjoyed. Prasad Lab ka zikr kiya. Mujhe unse ek saab ki yaad aa rahi hai. Dekhiye yahan. Hi Nagesh. Working with Hyderabad Blues is good experience for me. I remember like going in the bikes and everything. Going to equipment guys and bargaining the equipment with very cheaper price like that. And one more thing. You asked me for some amateur camera angles. I don't know how to give the blocks, and I really thought I think you don't know that. I asked my apprentice to put the camera angles, and he was trying that
he was trying amateur camera angles that I used to recopy that. And we had a lot of fun. ये आपने एक जो जबरदस्त टीम एफर्ट की बात की और तो मतलब अनदर पर्सन हु हैड समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट डू विद योर फिल्म हम उनको बुलाते हैं प्लीज आइए अच्छा आप इनका परिचय करो ये है इलाहे हिप्तुला एंड शी इज माय ओनली असिस्टेंट डायरेक्टर She's also my co-producer, sometimes entirely my producer, my Great. Partner in crime. And how did this criminal connivance come about? मैं filmmaker नहीं था, तो मैं picture बनाने चला और I was going to shoot the entire film without an assistant director. मैं सीमा का role जो हैदराबाद blues में she plays the second heroine, उसके लिए casting कर रहा था, तो I met her for production. She used to own a designer store, तो store पे पहुंच गया. और पहली मुलाकात में मुझे ऐसा लगा कि नहीं ये तो एकदम सीमा है जो सीमा मेरे माइंड में एट दैट मोमेंट आई डिजाइन तो आई आस्क्ड हर विल यू एक्ट एंड शी सेड हाँ कर लेंगे सो आई कास्ट हर जब हम रिहर्सल शुरू किए तो जब मैं पलट के रामप्रसाद से बात कर रहा था रामप्रसाद द कैमरामैन तो मेरे पीछे She would give directions to the other actors. Oh, okay. So first I was getting irritated, but I found that a lot of our sensibilities matched. So the day before the shoot, main bola kya assistant director banna hai? From owning a clothing designer store, she said, "Haan, kyun nahi?" आपने पहले कभी ऐसा कोई काम किया नहीं था? जी नहीं, हम कभी ज़िंदगी में सेट पे नहीं गए थे। जब गेश का फ़ोन आया कि you know will you help in production, तो हम सोचे कि बिचारा दीवाना है। जितनी उसकी दौलत उन्हें कमाया था जो यू नो पिक्चर में लगा रहा है जिसके नाम है एक्टर्स के गाने नहीं हैं और स्क्रिप्ट अगर आप पढ़े तो कुछ ज्यादा फनी नहीं पल्लव से था यू आर नॉट अलोन यू आर नॉट अलोन तो बोले चलो देखो अल्लाह हमारे पास भेजा है जरा इसको मदद कर देंगे एक नेक काम जिंदगी का हो जाता कि चलो बट फ्रॉम डे वन ऑन रिहर्सल आई न्यू दैट्स ऑल आई वांट टू डू फॉर द रेस्ट ऑफ माय लाइफ एंड अल्लाह ना करे कुछ और करना पड़े सो sold the store we started our own production company really and that's it and I remember jab hum log pehli baar picture banake Nagesh had no intentions ke india mein bataye it was always leke jaake america mein bataunga magar hum socha picture ban hi gayi hai to chalo yahan doston ko batayenge to prasad lab mein we had a screening it was a great screening remember I mean everyone loved the film to ye production unit jo aapne banaya uska naam kya aap log ne tay kiya sic productions stability is a curse kya Stability is a curse. खतरनाक आदमी है। बहुत आपको नहीं मालूम दिन रात भुगत रहे हैं। तो आपने फिल्म बना ली उसके बाद जो है then you came down to the nitty gritty and all the dirty work कि भाई अब जो बनाया है right. उसको जाके बाजार में पेश करना भी है वो प्रोसेस कैसा था मैं जून में पिक्चर खत्म किया और मैं वापस यूएस जाने वाला था तो इलाह ने कहा यू फ्लाइंग आउट थ्रू बॉम्बे तो एक स्क्रीनिंग रखते हैं बॉम्बे में मेरे कुछ दोस्त हैं एक्वेंटेंसेस तो वन ऑफ द फ्रेंड्स वाज मिस्टर श्याम बेनेगल तो ही सॉ द फिल्म सब ने वही कहा ए गुड एफर्ट मैं पिक्चर लेके यूएस चला गया आई सबमिटेड टू मेनी फिल्म फेस्टिवल्स आई वाज डूइंग द टूर तो इंडिया से कॉल आया कि दे वर हैविंग द फर्स्ट बॉम्बे फिल्म फेस्टिवल एंड दे सेड वुड यू लाइक टू कम बिकॉज वी आर गोइंग टू स्क्रीन योर फिल्म देयर और आया तो द रेस्ट वाज हिस्ट्री शाम का आपने जिक्र किया शाम आपके बारे में बहुत अच्छी बात कहना चाहते हैं हम उनकी बात सुनेंगे नागेश आई रिमेंबर द फर्स्ट टाइम इलाहे एंड यू केम टू सी मी वांटेड टू शो मी योर फिल्म हैदराबाद ब्लूज एंड आई सॉ इट एट द इरोस मिनिएचर एंड आई मस्ट से आई एंजॉयड दैट फिल्म सो मच यू हैव बीन मेकिंग फिल्म्स आफ्टर दैट एंड ईच वन ऑफ देम हैज बीन अ फिल्म दैट आई हैव एंजॉयड इनॉर्मसली And I hope you will continue to make films at the furious pace you want to make them, and also of a quality which I'm sure you're capable of. My very, very best wishes to you. All strength to your elbow. Bash on, regardless. जीना इसी का नाम है नागेश साहब से बातें हो रही हैं जब 17 दिन में कोई आदमी फिल्म बना देता है तो इनका तो जो होता होगा सो होता होगा लेकिन एक्टरों का क्या होता होगा मैं पूछता हूँ एक्टर को बुला के आइए प्लीज इस
से नाता नारी से रिश्ता अच्छा तो आपने इनकी एक से ज्यादा फिल्मों में काम किया ऑलमोस्ट ऑल एक्सेप्ट रॉकफोर्ड हाउ इज ही ऑन द सेट ही इज एब्सोल्युटली प्लान्ड वेरी वेरी प्लान्ड फोकस्ड दूसरी चीजों के लिए टाइम ही नहीं होता है सिवाय एक्टिंग और काम एज अ डायरेक्टर ही इज बीन फैबुलस जब भी नागेश पिक्चर बनाता है तो आई कीप माई फिंगर्स क्रॉस कि मुझे एक रोल मिलेगा स्ट्रिक्ट डायरेक्टर इफ ही इज स्ट्रिक्ट ही इज गॉट अ रीजन फॉर इट बिकॉज दो महीने पहले जब आपको स्क्रिप्ट देती है यू नो यू देते हो एंड इफ एज एन एक्टर इफ यू आर नॉट एबल टू डू इट देन इज जस्टिफाइड डूइंग इट ट्रूथ जानना था एक्चुअली आप इलाही को पूछे कि सेट पे क्या होता नगेश इज हॉरिबल आई मीन एज अ ही विल नॉट लेट यू चेंज अ वर्ड मैं इतने महीनों से स्क्रिप्ट लिखा आप आके बदलने वाले कौन आई मीन लिटरली यू शुड टॉक टू नसीर भाई कॉल हिम विलियम शेक्सपियर मैं ये सोचता हूँ कि अगर कोई राइटर तीन चार महीने किसी कमरे में बैठ के छरफोड़ा है बिल्कुल तो आप कौन होते हो कि चार दिन सेट पे पहुँच गए और पूरे लाइन्स बदल डाले Give me a good reason why you want to change the words. But then you love it. Then I love it. अच्छा एक और साहब जो आपकी लाइन ही याद करते हैं आइए. Oh my. Hey Roy. How are you? सर आप बना दे ना. आपने इनकी एक बहुत अच्छी फिल्म में काम किया. आपका एक्सपीरियंस कैसा था नागेश साहब के साथ? एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया था क्योंकि हर सुबह 7 बजे सेट पे पहुंच जाते थे. जब स्कूल में पढ़ता बच्चा बिल्कुल स्कूल से निकल गया सीधा कैमरे के सामने आ गया तो थोड़ा तो डर तो लगेगा ही पर फिर मतलब एक कंफर्ट लेवल था जो नगेश देते थे प्रोफेशनल बट वेरी कंफर्टेबल रोहन एज एन अनट्रेन्ड एक्टर ही वाज बार्न वन ऑफ द फाइनेस्ट पीपल आई वर्क्ड विद रोहन विक्रम साहब आप प्लीज बैठे मैं इनसे कुछ एक जरा तकलीफ देने वाला सवाल पूछना चाहता हूँ सर आपकी पहली फिल्म जो थी हैदराबाद ब्लूज माशाल्लाह बहुत कामयाब रही राइट दूसरी फिल्म बहुत तारीफ हुई लेकिन बॉक्स ऑफिस पे उतना हंगामा नहीं हुआ जितनी पहली फिल्म का था तो कैसा रिएक्शन था जो लोग फिल्म लाइन में आते हैं आई थिंक थोड़ा बहुत मैच्योरिटी होता है कि यू अंडरस्टैंड द रियलिटी ऑफ द बिजनेस व्हाट वन हैज़ टू व्यू इज कि ये फिल्म बेस्ड ऑन अगेन इन्वेस्टमेंट की तो बात होती है हाउ मच हैज़ इट डन व्हाट हैज़ इट रिकूप इफ़ यू टेक रॉकफोर्ड बाई इटसेल्फ इट्स अ बिग सक्सेस पर अगर आप उसको हैदराबाद ब्लूज के साथ कंपेयर करो तो इट्स नॉट लुक एट ईच फिल्म इंडिविजुअली एंड Never hope ki everything is going to repeat. Uske baad jo hai, aapne ek bahut interesting experiment try kiya. You made Bollywood calling. Hyderabad Blues had nothing in common with Rockford. Rockford, right. And again, Rockford had nothing in common with Bollywood right. calling. Right. This, ye aap itni mukhtalif cheezein kaise karte hain? See, main jab script likhta hoon to ye nahi soch ke likhta hoon ki acha box office ka trend ye hai. My first film was a comedy. तो मैं वही लाइन में फॉलो करूं और मेरा हमेशा यही डर रहा कि अगर मैं अपने आप को रिपीट करूंगा तो एक बार जब ऑडियंस के साथ आप ये ट्रेंड शुरू कर दो तो यू आर नेवर एबल टू ब्रेक आउट ऑफ इट तब ऑडियंस सोचेगी अच्छा नगेश कुकनूर की फिल्म है ओ तो ये तो कॉमेडी हो गई एंड आई डोंट वांट दैट हाउ डिड यू थिंक कि मैं ओम पुरी को कास्ट करूँ एक तो बहुत अच्छा एक्टर और बहुत नामी एक्टर यू नो ग्रोइंग अप एज अ किड इन इंडिया वन ऑफ माय आइडल्स वाज ओम पुरी I was finishing up Rockford और बॉम्बे टू हैदराबाद फ्लाइट कैच करने मैं एयरपोर्ट में वो सिक्योरिटी चेक एरिया में खड़ा था तो मेरे आगे वन मैन स्टेप्ड इन टू पुट हिज बैग कौन थे ओमपुरी क्विकली आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ लकीली ही हर्ड ऑफ हैदराबाद ब्लूज तो ऐसा मेरे पास एक स्क्रिप्ट है ही रेड इट ही सर हाँ सही है बट एट दैट टाइम आई कम्प्लीटेड रॉकफोर्ड तो वी इन्वाइटेड हिम फॉर स्क्रीनिंग रॉकफोर्ड का स्क्रीनिंग होते ही उन्होंने कहा कि आई एम गोइंग टू डू इट I mean, I couldn't believe it. अच्छा देखते हैं, देखते हैं। फारूक साहब आधा बर्ज़े। आराम, आराम। कैसे रहा? इनसे जरा पूछिएगा आप अकेले में कि इतने ज़हीन हैं, हसीन हैं, काबिल हैं, पढ़े लिखे हैं, NRI हैं, इन्होंने अभी तक शादी क्यों नहीं? तो ये तो रहा थोड़ा लाइटर वर्जन। आप सुन रहे हैं ना, फारूक साहब? जी, जी सर। ये मैंने इनके साथ एक फिल्म की, बॉलीवुड कॉलिंग। बड़ा मजा आया नॉट ओनली ही इज अ कॉम्पिटेंट वंडरफुल डायरेक्टर बट ऑल्सो अ वेरी गुड ह्यूमन बींग अनदर गुड थिंग अबाउट हिम इज वेन ही इज नॉट मेकिंग अ फिल्म ही कीप्स राइटिंग माई लिटिल एडवाइस टू माई फ्रेंड नागेश कुकनूर
is that before you make a film, you must keep in mind that the film must stand on its own feet, which means whatever you spend on the film should recover itself. You must see your film through, not only make a film, but see that it is well projected, because I think you deserved a much bigger success in Bollywood Calling. All the best. एक और साहब आपसे कुछ कहना चाहते हैं, बहुत दूर से बात करना चाहते हैं। हाँ साहब कहिए। Hey Pat. How are you? Great man. How are you? I'm fine. Congratulations. I heard they just showed one of your favorite scenes, the garage scene. It still is my favorite scene of all time. And how was it working with Nagesh in Bollywood Calling? It was a very interesting process for me because I'd known him for so long, and it was an interesting partnering, and then at times I'd have to kind of step back and go, okay, wait, he's in charge here. Okay. This is not mine, this is his. Pat's one of the few guys who gets to read all my scripts. Oh, okay. One of the few guys. After I finish the script, I send it across to him. Thanks a lot, Pat. Great pleasure talking to you. Very good talking to you. All the best. All right, to you too. Take care, man. वीडियोकॉन जीना इसी का नाम है, मैं बात हो रही है नागेश कुकनूर साहब से। एक शख्स है जो मेरा बहुत पसंदीदा है, वो आपसे बात करना चाहते हैं, आपके दोस्त भी हैं। जनाब फरमाएं। जैकी। हाय जैकी। हाउ आर यू ब्रदर? हे यू वन ऑफ द ग्रेट टू हियर योर वॉइस। आई एम इन चेन्नई एंड इट्स केम टू नो दैट यू आर गोना बी देयर, सो इट्स अ हाय टू यू। ग्रेट जॉब टीम दीवारे। Thank you. Did not charge me, was not the director. Anyway, bro, just wanted to say hi to you. Have a great time. Nice knowing you and hope to see you in Mumbai. Yes, definitely, Jackie. Ciao. Bye. Aapki deewarein bahut unchi unchi gayi hain. Yahan dekhiye. Hi, Nagesh. So happy to be on your show. Wish main khud wahan par aa sakti aapke show par, but sorry. पहली बात तो मैं ये बोलूँगी, जितनी भी मैंने आपकी फिल्में देखी हैं बहुत ही अच्छी हैं, बहुत ही अच्छी, मतलब सेंसिबली रिटन, नाइस ह्यूमर, गुड गुड डायरेक्शन, वेरी नाइसली मेड फिल्म्स। एंड सो आई'ड लाइक टू से आई एम वेरी हैप्पी आपने अपनी केमिकल इंजीनियरिंग छोड़ दी। आपकी फ़िल्म करने के बाद मैंने कोई 1.5 साल काम नहीं किया, और जब आपकी फ़िल्म रिलीज़ हुई तो वो इतनी अप्रिशिएट हुई, और उसमें मेरा काम इतना अप्रिशिएट हुआ कि everybody came and told me what a nice thing you've done, what a lovely film it is, and it was such a good feeling for me because I literally came back with that film and I loved working with you, I loved working with your unit. Aur meri shubhkamna hamesha aapke sath hai. I hope you make lovely lovely films in the future as well. आपने कब ये सोचा कि भाई मैंने अभी ये स्क्रिप्ट लिख ली है तो कब ये सोचा कि मुझे इस रोल में फलां चाहिए फलां चाहिए फलां चाहिए? ये तीन महारथी जो है आपको कहाँ मिल गए थे? वेल जब स्क्रिप्ट ओरिजिनली लिखा था तो द वन रोल आई वाज वेरी क्लियर अबाउट वाज जूही इन द रोल ऑफ चंद्रिका। आई ऑलवेज फेल्ट कि जूही जो भी रोल्स शी वॉज नोन फॉर विच इज़ दिस बबली क्यूट सी गर्ल एंड आई थॉट शी वॉज ऑलवेज अंडर यूटिलाइज्ड और जस्ट स्क्रिप्ट was almost being done. So Ishan ke role mein I started getting Nasir in my head. And finally Jackie also we'd been interacting and it seemed like ki again Jaggu Dada to cast him in a role that he was not known for. So they came in 3 different ways. Par jaise Ilai keh rahi thi, normally main decide karta hu ki haan haan ye log chahiye. Phir the job becomes her ki jaake unko le aao. All the grunt work becomes her. Now let's see the result of some of that grunting here. Hey Nagesh, or should I call you William? Ever since I saw that first wonderful film of yours, I've always believed that you truly represent the future of good Indian cinema. And you haven't done much to let me down on that score. But this is just to say that I wish you a very happy life. So here's looking forward to many more opportunities to work for you again and hopefully to cast you in something that I direct. Good luck, Nagesh. Cheers. तो तीन दीवारें बहुत अनयूजुअल सब्जेक्ट, बहुत अच्छी तरह से बनाया हुआ, और मेरी अपनी राय यह है कि आई थॉट यू वर द बेस्ट परफॉर्मेंस इन द फिल्म। दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू। इट वाज अ वेरी 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 नाइस परफॉर्मेंस।
अच्छा देन यू ये सब करने कराने के बाद दीवारें फानने वानने के बाद आपने फिर सोचा कि मैं हैदराबाद लूज टू बनाऊँ ये ख्याल कैसे आया इनिशियली मैं क्लियरली डिसाइड कर चुका था कि मैं सीक्वल नहीं बनाऊँगा पर छः साल के बाद द स्मॉल डाउट केम इन माई माइंड कि पता नहीं छः साल के बाद वरुण और अश्विनी जो मेन कैरेक्टर्स थे हैदराबाद ब्लूज में क्या कर रहे होंगे तो एक दो सीन लिखते गया और स्क्रिप्ट बन गई जब एक बहुत कामयाब फिल्म का आदमी सीक्वल बनाता है right. तो डज ही स्टार्ट विद अ लिटिल एप्रिहेंशन अब फिर सीक्वल बनाने जा रहा हूँ ऐसा ना हो जूते पड़ जाए यार नॉर्मली क्या होता है वो डाउट डज क्रॉस माई माइंड मच लेटर इन द स्टेज जब मैं राइटिंग करता हूँ तो आई ट्राई नॉट टू लेट एनीथिंग एल्स इंटरफियर सिर्फ स्टोरी के नज़रिए से देखता हूँ जब वो स्टेज ख़त्म हो जाता है फिर आई मूव टू द नेक्स्ट वन और एट दैट स्टेज ईदर द प्रोड्यूसर और द डायरेक्टर टेक्स ओवर डेफिनेटली दोज डाउट्स क्रॉस माई माइंड कि अरे दे फाउंड द फर्स्ट वन फनी विल दे फाइंड द सेकेंड वन फनी डज दिस वर्क बट जैसे मैं कह रहा था ईच स्टेज आई डोंट मिक्स इट विद द अदर राइटर का स्टेज ख़त्म हुआ तो देन मूव टू द प्रोड्यूसर देन मूव टू द डायरेक्टर फिनिश इट हाँ पिक्चर एक बार बन जाती है तो तब यू नो यू आर प्रेइंग एंड ऑल दैट फिर यू आर प्रेइंग समबडी इज ग्रांटिंग ऑलवेज ग्रांटिंग आप तशरीफ लाए मैं आपसे भी बात करना चाहता हूं ऑलवेज ग्रांटिंग कम 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 अच्छा इन्होंने जब पहली फिल्म बनाई थी तब तो इनकी मम्मी जो हैं 500 कप चाय बनाती होंगी और 200 रोटियां बेलती होंगी इनके पिताजी भी कुछ ना कुछ दौड़ भाग में सब पड़े बट द सेकंड टाइम Was it an easier experience as a unit to produce that film? No, because first experience we had no idea what we were going in for. But for this movie, it was much more difficult because har ek paisa phir kamayega. Ye bar hum dono ka laga hua tha. It was now a professional unit. So having worked on Teen Diware, where you work in a professional capacity, aapko malum hai ki dekho, do take nahi le sakte. एक वाइट के बाद मीडियम क्लोजअप और क्लोजअप रहना जरूरी है हमारी जानकारी ये है कि आपने म्यूजिक बाकायदा सीखी है Is that right? हाँ एक दो तीन साल हिंदुस्तानी क्लासिकल में ट्रेनिंग ले चुका हूँ मैं ऑलवेज हैड अ फैसिनेशन फॉर म्यूजिक बट नेवर डिवोटेड द टाइम ये देखो यहाँ देखते हैं हाय नागेश आई थिंक इट्स टाइम टू लेट द वर्ल्ड नो अबाउट योर म्यूजिकल टैलेंट्स वेल यू वर इट वाज अ प्लेजर टीचिंग यू एंड विद योर टैलेंट एंड योर वॉइस एंड योर पिकअप एंड योर सेंस ऑफ सुरंताल सो इट्स माई ग्रेट डिजायर टू हियर यू सिंग इन सम ऑफ योर फोर्थकमिंग फिल्म्स Especially in Rag Yaman, which was always your favorite rag. No अच्छा ये म्यूजिक की बात चलिए तो मैं बात अधूरी रह जाएगी अगर मैं इन साहब को नहीं बुलाऊं प्लीज आइए आपकी और इनकी मुलाकात कैसे हुई थी I met them again during the grunt work. Sorry. I wanted them for music directors, but I knew I couldn't afford them. So of course, the she was let loose. The grunt was let loose. Yeah. So she went and met them. When we met up, it was one of those great meetings where two like-minded people hit it off. And I actually we started off on a bad note because Salim completely scored the film. And ek din baithe hum, and he said. देखो आई फिनिश्ड इट एंड वी लुक्ड एट इट एंड आई वाज लाइक ओह माय गॉड ये क्या हुआ ही सेड कि पसंद है सर नहीं बट सलीम मेरा आइडिया ये नहीं था ही सेड ओहो सो यू आर आस्किंग मी नॉट टू डू द स्टैंडर्ड स्टफ एंड देन ही केम अप विद द स्कोर फॉर तीन दिवारे व्हिच इज नथिंग शॉर्ट ऑफ फिनोमिनल एंड अगेन गॉट हिम बैक फॉर हैदराबाद ब्लूज टू एंड नाउ वी आर ग्रेट फ्रेंड्स दोस्तों नसीर ने एक बात कही नागेश साहब के बारे में उसने कहा कि भाई I am confident that this is the future of Indian cinema in time to come. हमको ये पूरी उम्मीद है कि आने वाली हिंदुस्तानी सिनेमा का जो मुस्तकबिल है जो फ्यूचर है वो इन्हीं लोगों के हाथों बनना है और संवरना है और नागेश साहब बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे शो पर तशरीफ लाए बहुत अच्छा लगा अगले हफ्ते फिर मुलाकात करते हैं ऐसे ही किसी बहुत दिलचस्प शख्स के साथ तब तक के लिए आदाब अर्ज़ी